नागपुर के 0 माइल से 250 किलोमीटर की दूरी पर गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले धाबी पोनी तोड़का किशोरी आदि गांव में सैकड़ों आदिवासी रहते हैं। इस गांव के आदिवासी कड़ी मेहनत करते हुए जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। आज भी यहाँ के आदिवासी लोगों को एक पुलिस प्रशासन छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की ओर से कोई भी मजबूत मदद नहीं मिल रही है। आज भी कई आदिवासी लोग सरकार की सेवा से वंचित हैं, इसलिए दिवाली का त्यौहार आदिवासी नहीं मना रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर के माउली मित्र मंडल के अध्यक्ष सुहास खरे और मंडल के दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासी गांव में जाकर उन्हें भेंट वस्तु दी तथा दीपावली के दीप जलाकर आदिवासी लोगों के साथ मिलकर दीपावली मनाई। इस मौके पर सैकड़ों आदिवासी खूब खुश नजर आए। पेश है गोंदिया जिले के गांव से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी स्पेशल रिपोर्ट, जोत से जोत लगाते जा, प्रेम की गंगा बहाते जा में। भारत यह कृषि प्रधान देश है, तो वह इस देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, वो इस देश का किसान है। देश का किसान हर राज्य के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेती का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले धाबे पौनी गांव के बहुसंख्यक आदिवासी किसान खेती का काम करते हैं। कुछ खेती के मालिक हैं तो कुछ खेती में काम करते हैं। नागपुर की 0 माइल से 250 किलोमीटर की दूरी पर धाबे पौनी यह आदिवासियों का गांव है। इसी गांव में क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इनका एक पुतला है। आदिवासी के दैवत क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, इन्होंने आदिवासियों के लिए एक संजीवनी का काम किया है। आदिवासियों के जीवन संवर्धन करने के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का काम बिरसा मुंडा इन्होंने किया है। उन्हीं की याद में धाबे पौनी गांव के चौक में बिरसा मुंडा इनके पुतले को रंग रोहन किया गया। आदिवासी के दैवत बिरसा मुंडा इन्हें अभिवादन करने के लिए माउली मित्र मंडल के सामाजिक कार्यकर्ता तथा पार्षद मनोज कावंडे, कविवर्य अजय पांडे और गांव के किसान कुसन स्कोप मणिकपुरम आदियों ने बिरसा मुंडा इन्हें फूलों की माला पहनाकर अभिवादन किया और उनके सम्मान में जयघोष भी किया। धाबे पौनी गांव के आदिवासी अधिकतर अपना खून पसीना बहाकर खेती का काम करते हैं और अपने खेत में सब्जी अनाज की पैदावार करते हैं। लेकिन आसपास के इन आदिवासी किसानों द्वारा जो खेत में फसल की पैदावार होती है, उसे रात के अंधेरे में जंगली सुअर झुंड के साथ आकर इनकी फसल को तहस नहस कर आतंक मचा कर चले जाते हैं, जिससे इन किसानों का हजारों लाखों का नुकसान हुआ है। कई बार इन किसानों ने गोंदिया प्रशासन से शिकायत की है ताकि प्रशासन द्वारा जंगली सुअरों का कुछ बंदोबस्त करे, लेकिन प्रशासन की उदासीन रवैये से आदिवासी किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ तो आदिवासी 70% है पौनी में और बाकी का समाज है, और इधर रोजगार तो है नहीं अभी तक। खेती में प्रॉब्लम यही है कि जंगल के जानवर सुअर जो बोलते हैं, वो सुअर धान की फसल बर्बाद कर लेते हैं और उसमें अड़ंगा तो कोई है ही नहीं क्योंकि खुलेआम है, इसलिए वो धान की फसल नुकसान बर्बाद होती है। और चित्ता सांबर वो भी है जत्या है, अरे तुअर रहती है दोरों को और ये कठानी मार रहता है, चना है, जैसे ऐसे जो फसल आती है उसमें भी नुकसान कर लेते हैं, सुअर भी कर लेते हैं और ये अपना सांबर चित्तर भी कर लेते हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमें यही चाहना है कि जो सुअर जो जंगली जानवर जो आते हैं खेतों में, उसका बंदोबस्त करे पहले। परेशानी का सबक बन चुका है ये धाबे पौनी का गांव, और इस धाबे पौनी के गांव में किसानों की खेती इतना नुकसान बड़े पैमाने पे हो रहा है, इस बारे में यहाँ के जो गांव वाले उन्होंने जानकारी दी। इस समय में हमारे साथ में खुद गावंडे जो कि नागपुर से है, नगर सेवक, वो भी यहाँ पे आए हुए किसी प्रोग्राम को लेकर, उनसे जाना चाहेंगे। गावंडे साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है और आज जो आदिवासी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? सर, अपन बोलने को तो आज 70 साल हो गए आज़ादी मिलकर, पर जो परिस्थिति है आज, जो बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा है, आदिवासी के आराध्य दैवत है जिनका आशीर्वाद पूरे आदिवासी समाज को है, पर आदिवासी की परिस्थिति इतनी भयावह है कि आज भी वो मुख्य धारा में नहीं है। जो आज की जो परिस्थिति है कि अपन बोलते हैं कि आदिवासी को सहूलियत मिल गई है और वो एक मुख्य धारा में आ गए हैं, पर आदिवासी के नाम पे ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो आदिवासी है नहीं और पूरी फैसिलिटीज आदिवासी के ले रहे हैं।
यानी आदिवासी का पूरा जो हक है वो ये लोग मार के ले जा रहे हैं और आदिवासी उससे आज भी कोसों दूर है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रियली आदिवासियों का जो प्रमाण पत्र है वो उसी को दिया जाए कि जो आदिवासी है, तो जिससे क्या होगा कि सही में आज जो आदिवासी की परिस्थिति है उनके बच्चे ना खेती कर सक रहे ना व्यवसाय में है और उनके तरफ कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ उनके नाम पर फैसिलिटीज दी जाती पर वो उनके तक पहुंचती नहीं। तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। मनोज जी ये बता कि जिस तरह से यहाँ पे खेती का जो बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है और यहाँ पे जो जंगली जानवर जैसे सुअर है, चीता है, सांबर है, ये जो यहाँ की जो फसल बर्बाद कर रहे, क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो वन अधिकारी है वो ध्यान दे पा रहे हैं? नहीं, ये तो जो आदिवासी से हमने बात की, जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ 70% आदिवासी समाज है और जिनका साल में एक बार फसल आती है, धान की फसल जो होती है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि वो लोगों से मिलकर उसका प्लानिंग करे। क्या होता कि जो किसान है वो साल भर की अपनी पूंजी लगाकर वो खेती करता है और ये जो जंगली जानवर है ये पूरा उनका साल भर का पूरा करा नष्ट कर देते। ऊपर से इसका नेचर का जो प्रकोप है, जो बाढ़ आई थी, इसमें पूरी फसल उनकी तबाह हो गई। तो सरकार ने इस ओर स्पेशल ध्यान देना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट के इतने बड़े बड़े अधिकारी है, इनको रखा किस लिए है? इनका काम है कि हर गांव का दौरा करे, उस गांव में मीटिंग ले, जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क कर क्या उपाय योजना कर सकते हैं। आखिर जानवर है, उनको कोई बोलता नहीं है कि ये करो करके, पर उसका उपाय क्या निकाल सकता है ये लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए कि जिससे इनकी जो नुकसान है ये ना हो। दर्शकों, ढाबे पौनी में इस समय में इनविजन की टीम आई हुई है। हम आपको बता दें कि ये वो गांव है जो आदिवासी की जनसंख्या काफ़ी यहां पर है, लेकिन आए दिन आदिवासी लोगों को क्या सही में सरकार की ओर से न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये एक देखने वाली बात होंगी। इस समय में ढाबे पौनी के आप देख सकते कि हमारे पीछे में जो मूर्ति है, क्रांति सूर्य महामानव धरती पुत्र वीर बिरसा मुंडा जी की यहाँ पे मूर्ति है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और जो बलिदान दिवस है 9 जून 1900 यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ रंग रोहन यहाँ पे किया गया है, लेकिन क्या मात्र रंग रोहन करने से और अच्छा बनाने से क्या आदिवासी को न्याय मिलेगा, एक देखने वाली बात होंगी। इस समय में हमारे साथ में इस ढाबे पौनी के कुछ आदिवासी युवा हमारे साथ में, उसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि आपका ये जो ढाबे पौनी गाँव जो है ये कितनी जनसंख्या वाला है, और दूसरी बात ये कि जो यहाँ जो आदिवासी लोग रहते क्या उनको सही में सरकार की ओर से न्याय मिला है, या क्या चल रहा है यहाँ खेती बाड़ी कैसा चल रहा है, क्या यहाँ का हाल है? सर मेरा नाम मानिक पुराम है और जैसे कि यहाँ हमारे जो छोटा मोटा यह गांव है, यहाँ की लोक संख्या बोले तो 2000 के करीब है, फिर भी यहाँ खेती का बहुत समस्या चलता है, रोजगार तो है नहीं कुछ, या सरकारी प्रणाली यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है, रोजगार का तो बहुत समस्या है। सर यहाँ पे कौन विधायक है? यहाँ हमारे चंद्रिकापुरी जी हमदार है हमारे क्षेत्र के, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि खेती के समस्या के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे इस जिस प्रकार से ये देखा गया कि आए दिन मतलब आदिवासियों के नाम पर जो बोगस प्रमाण पत्र जोड़ जोड़ के लोग जो सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या ये बात सही है? जी जी बिल्कुल सही है, बोगस आदिवासी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये अभी हमारे गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि ये प्रणाली रुकना चाहिए, हमारे आदिवासियों के नाम पे बहुत ज़्यादा बोगस प्रमाण पत्र दे के ये सब कुछ चल रहा है। और खेती की क्या हालात है यहाँ पर है, क्या अच्छा है यहाँ पे फसल हो रही है? फसल तो अच्छी होती है पर जो जंगली जानवर है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनमें, क्योंकि पूरी फसल ख़त्म कर देते हैं खेतों में घुस के, तो उसमें कुछ सरकारी यानी उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या वन परिक्षेत्र के जो वन विभाग के जो अधिकारी उनसे क्या गुहार लगा रहे हैं? गुहार तो ये है कि हम तो वो क्या पूरा ख़त्म होने के बाद वो कंप्लेंट लेते हैं, उसके पहले ही ख़त्म होने के पहले ही वो कुछ करे ऐसा हमारा मानना है। क्या सुझाव है, किस तरह की उन्हें उपाय योजना करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? किस तरह की यानी अभी ये संज्ञान ले इस बात की कि क्या क्या होना चाहिए, पहले जैसे फसल के पहले ही उनका कुछ हो इसमें। क्या नाम है आपका? मानिक पुराम सर।
तो आप ढाबे पौनी से मानिकपुरम जिन्होंने बखूबी बात कर बखूबी और बेबा के साथ बात करते हुए इन तमाम बातों पर रोशनी डाला और इनका यह मानना है कि आदिवासी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार तो हो रहे, प्रमाण पत्र को लेकर जाली बोगस आदिवासियों को सरकारी सेवाओं में सेवाएं करने का मौका मिल रहा है, मगर अफसोस कि जो ओरिजिनल आदिवासी है उन्हें ये कामकाज अभी भी नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे अभी भी भूखे पैसे है और वे बेरोजगार है और उनकी शिक्षा भी नहीं हुई है। इस ओर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इन्होंने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वन जो अधिकारी है उन्होंने जो घुसपैठी है, जैसे कि जो जानवर की बात की है कि जब इनकी फसल जो आती है वो फसल को पूरी तरह से नष्ट करने का काम कुछ ऐसे जानवर करते हैं, तो उनके ऊपर भी रोकथाम लगाना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। वे ही गुहार आज वन अधिकारी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यहाँ के युवाओं ने की है। धाबे पौनी से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।